बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया। साइबर एक्सपर्ट की मदद लेगा गृह विभाग। भोपाल और इंदौर में साइबर एक्सपर्ट तैनात किए जाएंगे। 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी। जांच में पुलिस की मदद करेगा साइबर कंसल्टेंट। पुलिस को ट्रेनिंग भी साइबर कंसल्टेंट द्वारा दी जाएगी। देखिए, लगातार बढ़ते साइबर क्राइम के मद्देनजर बड़ा फैसला यहाँ पर गृह विभाग ने लिया है। जो आप साइबर क्राइम को रोकने के लिए नया प्लान गृह विभाग ने बनाया है। इस प्लान के जरिए जो है साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से जो है इन क्राइम करने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही भोपाल और इंदौर में साइबर एक्सपर्ट्स की तैनाती होगी। बिल्कुल, जिस तरह से साइबर क्राइम के चलते सुसाइड के जो केसेस थे, आत्महत्या के जो मामले थे, लगातार प्रदेश में बढ़ रहे थे, जिसे ध्यान में रखते हुए, जिसे गंभीरता से लेते हुए अब गृह विभाग ने ये फैसला लिया है। एक नया प्लान तैयार करने जा रही है। साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। भोपाल और इंदौर में साइबर एक्सपर्ट जो है उनकी तैनाती भी होगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता विवेक पांडे की। और विवेक, लगातार मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे आत्महत्या की जो घटनाएं थी वो बढ़ रही थी, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही थी वो था साइबर क्राइम। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा लगाम लगाने की तैयारी में है राज्य सरकार। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौती पुलिस के सामने ये है कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस की दक्षता पर सवाल उठे हैं, और पुलिस टेक्निकल रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि हाईटेक गैजेट और तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले साइबर क्राइम करने वाले जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके, और उनके डिटेक्शन के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। गृह विभाग ने ये फैसला किया है कि साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाए। भोपाल इंदौर से करीब 19 एक्सपर्ट को नियुक्त किया जाएगा, जो पुलिस के साथ काम करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर साइबर जो ठगी हो रही है वो कहाँ से हो रही है, किस तरीके से हो रही है। क्योंकि ये देखने के लिए मिला कि पिछले दिनों जब भोपाल में एक सुसाइड केस सामने आया था, कर्ज और अश्लील फोटो आरोपी के पास होने की वजह से परिवार को सुसाइड करना पड़ा था। पुलिस ने प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में ये पाया था कि आरोपी को जो धमकी मिल रही थी, जो ब्लैकमेलिंग हो रही थी, वो दूसरे देशों से हो रही थी। लेकिन जब साइबर एक्सपर्टों की मदद ली गई तो आरोपी पड़ोसी ही राजस्थान से पाया गया और उसे गिरफ्तार किया। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण पुलिस के सामने चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए ये एक्सपर्ट पुलिस के टेक्निकल रूप से मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी। तो देखिए, आप जो साइबर से जुड़े अपराध होते थे, अब उस पर लगाम लगाने के लिए गृह विभाग ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अब इस प्लान को आगे बढ़ाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी मध्य प्रदेश में जो क्राइम रेट है साइबर से जुड़े, उसमें कितनी कमी आती है।